अरे कौन है? तेरी बाप की जगह है। अरे उठ, बताता हूँ तुझे। आखिरी बार कह रहा हूँ, उठ जा। अरे उठ। प्लास्टिक की थैली से सर ढका हुआ है, दोनों हाथ बांधे हुए थे। जिस तरह से उसके हाथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे मारने वाले से गुहार लगा रहा हो कि मुझे छोड़ दो। एक आदमी का काम नहीं लगता ये। एक भी हो सकता है। अब ये पैरों के निशान देख रहे हैं, ये कम से कम 10 या 11 साइज के शूज होंगे। इससे एक बात तो पता चलती है कि मारने वाले की हाइट मरने वाले से ज्यादा है, क्योंकि अगर हाइट कम होती तो उसके सर को प्लास्टिक से कवर करना मुश्किल होता। साहब, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है साहब। अभी इधर रात भर क्या होता है मेरे को कैसे मालूम रहेगा साहब। साहब मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरा दुकान तो मैं इधर ही रोज लगाता। मैंने कुछ कहा तुझसे? इडली दे, सवेरे नाश्ता नहीं हुआ है मेरा। ओ सर। अच्छा, उस नारियल वाले के बारे में क्या बताना चाहते थे? सर बहुत झगड़ा करता है, कभी कभी तो हमारे से और कस्टमर से भी झगड़ा करता है। एक बार तो कस्टमर को चाकू दिखाया, 2 दिन तक जेल में था ये साहब। और एक बात, ये रोज सुबह 5 बजे आ जाता है, लेकिन आज 6 बजे आया साहब। हम में से यहाँ कोई भी प्लास्टिक की थैली यूज नहीं करता, एक वही है जो यूज करता है। पुलिस में होना चाहिए तुम्हें। सर, विक्टिम की पहचान हो गई, इसका नाम मदन मारू है, पर इसके पास ना ही मोबाइल मिला है ना ही वॉलेट, कुछ भी नहीं। सर नारियल पानी वाले का क्या करें? उसे धंधा करने दो। पर सर वो अन्ना के बारे में कुछ बोल रहा था। मौका मिलने पर हर कोई अपनी दुश्मनी निकालता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कभी किसी के मौत की खबर उनके घर वालों को दी है? सर ऑल द बेस्ट। जी कहिए। ये मदन मारू का घर है? हाँ, लेकिन क्या बात है? बाबू जी, पुलिस। जी ये मेरी बहू है, मदन की पत्नी। लेकिन आप ये तो बताइए कि बात क्या है? आपको तो पता होगा कि आपके पति कल रात से घर नहीं आए। क्यों लौटेंगे? वो तो अहमदाबाद गए ना बिजनेस ट्रिप के लिए। हाँ। अगले हफ्ते लौट के आएंगे। आपको यकीन है कि आपके पति अहमदाबाद में है इस वक्त? अरे भाई, बेटा है मेरा, मुझसे झूठ क्यों कहेगा वो। और हाँ, आज सुबह ही बिजनेस की मीटिंग शुरू होने के पहले उन्होंने मुझे मैसेज भी किया। क्या मैं वो मैसेज देख सकती हूँ? यहाँ ठंड बहुत है, मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा।
आशा करती हूँ कि आपके हस्बैंड इस वक्त अहमदाबाद में हैं। कुछ कंफ्यूजन है, इसीलिए आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। अगर ये यहाँ है तो फिर सुबह मैसेज किसने किया था? मदन, क्या हो रहा है यहाँ? मदन, देवकी जी, देवकी जी, देवकी जी संभाले। सर, आपको लगता है कि यहाँ होना हमारा जरूरी है? ऐसे माहौल में मुझे बहुत घुटन होती है, समझ में नहीं आता क्या रिएक्ट करें। हम यहाँ रिएक्शन देने नहीं आए, सिर्फ खड़ी रहो और ऑब्जर्व करो। चुपचाप बिना इमोशन के अगर देखती रहोगी ना तो कई छुपी हुई चीजें दिखने लगेगी। बच्चू भाई, मैंने सुना कल रात हुआ ये वाक्य और मुझे आधे घंटे पहले पता चलता है। मोटा भाई को क्या हो गया? बंद करो अपनी एक्टिंग। तुमने उन्हें मोटा भाई कहने का अधिकार उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने उन्हें चांस से मारने की धमकी दी थी। तुम ही ने मारा है उन्हें। भाभी, जयेश ने बस कीजिए, सब कुछ मेरे सामने हुआ था। भाभी, इनको दोष देने से पहले आप ये याद रखिए कि उस दिन घर में तूफान आपकी वजह से आया था। दीपा, बस करो, मैं कहता हूँ भगवान के लिए बस करो। मदन चला गया, वो वापस नहीं आएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। इमोशनल स्टोरी है, जल्दी खत्म नहीं होने वाली। मदन मारू के कत्ल की खबर सुनकर उसके घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी लोग सदमे में थे, लेकिन ऐसे केसेस में पुलिस को सबसे पहले घर वालों से ही पूछताछ करनी पड़ती है ताकि ये पता चल सके कि मृतक का किन लोगों के साथ उठना बैठना था, किसी से दुश्मनी तो नहीं थी और घर वालों पर किसी को शक तो नहीं। इसी इरादे से पुलिस की टीम मदन मारू के घर पहुंची, लेकिन यहां तो नजारा ही कुछ और था। अभी मदन मारू का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था और घर के सदस्यों ने एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए, और वो भी पुलिस टीम के सामने। लिहाजा ये सभी लोग पुलिस के शक के दायरे में आ गए।
मरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है सर। उसके नाम पे रजिस्टर नहीं है मतलब? तो फिर अहमदाबाद से जो मैसेज भेजा गया था वो किसने भेजा था? सर मैसेज किसने किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन नंबर किसी भाविन ठक्कर के नाम पे रजिस्टर्ड है। भाविन ठक्कर? अब ये कौन है? सर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है सर, उस फोन का ट्रैकर अभी भी ऑन है, उससे ये मालूम पड़ा है कि मैसेज अहमदाबाद से नहीं मुंबई से आया है, और वो फोन अभी भी साउथ मुंबई के MNC नाम के स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में है। MNC? मेहता एंड कंपनी। ये मेहता एंड कंपनी क्या करती है पता करो, और दूसरी बात, लाश के पास जूतों के निशान मिले थे, किसके जूतों के निशान ये भी पता करो। भाभी कुछ घंटों बाद मदन को अस्पताल से लेकर आएंगे, पहले जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जयेश भी उसका छोटा भाई है, वो भी अंदर से टूट चुका है, और सारे रिवाज तो उसी को पूरे करने हैं। आप प्लीज संयम रखिए, और पिछला एक साल छोड़ दिया जाए तो जयेश को आप ही ने छोटे भाई की तरह संभाला है। तो ये बात उसे उस वक्त समझ क्यों नहीं आई जब वो इतना बड़ा बवाल करके इस घर को छोड़ के चला गया था? क्यों समझ नहीं आई? क्यों क्यों? मैं कह रही थी ना आपसे कि यहाँ नहीं आते हैं, देखा ना आपने भाभी ने कैसा तमाशा खड़ा कर दिया, वो भी पुलिस वालों के सामने। उम्मीद करता हूँ कोई मुझसे सवाल जवाब ना करेगा। पक्का यही कंपनी है? ओके सर, थैंक यू। सर हर बार शेयर मार्केट का कोई ना कोई घपला सामने आ जाता है, और इनका नाम सबसे ऊपर है, और मेरा सोर्स ये बता रहा है कि कितने लोगों के घर बर्बाद हुए इनके चक्कर में। मेहता जी को बुलाइए जरा। सर मार्केट बंद हो चुका है सर, लास्ट एंट्री कर रहे हैं। लास्ट एंट्री तो हमारी होगी, कौन सी कैबिन? फर्स्ट। तुम यही रुको। हाँ निकाल दे उसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे आइए आइए सर, बैठिए बैठिए ना। अच्छा लगता है जब पुलिस वाले हमारे यहाँ अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। मेरी मानिया था रिटायरमेंट के बाद शेयर मार्केट से बड़ा दोस्त कोई हो नहीं सकता। अजीब बात है, आप हमारे भविष्य की चिंता करते हैं और हम आप एक केस की छानबीन करने आए हैं। केस मेरे खिलाफ? सर मार्केट डाउन चल रहा है, कमजोर लोग हार्ट अटैक से मर रहे, उसके लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मदन मारू को जानते हैं आप? मदन मारू ने कंप्लेंट की मेरे खिलाफ, मैं उसको बचाने के लिए उसकी मदद कर रहा था। अब शेयर मार्केट क्रैश हो गया, 125 करोड़ उसका डूब गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी अकेला शेयर मार्केट चलाता हूँ। बिना पूछे बहुत कुछ जानकारी दे दी आपने। क्या कर लेगा वो, जान से मार देगा मुझे? एक मिनट, मदन मारू का खून हो गया, और इतना ही नहीं उसके बाद उसके मोबाइल से एक मैसेज भी भेजा गया, जो मोबाइल आपके इस ऑफिस में मौजूद है। सर्च वारंट लेकर आए हैं, बेहतर होगा कि कोऑपरेट करें। देखिए जिसके भी पास ये मोबाइल है वो कातिल भी हो सकता है। एक प्यून को केबिन के अंदर पानी का ट्रे लेके जाते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन ट्रे अंदर छोड़कर आने वाला प्यून पहली बार देख रहा हूँ। क्या हुआ सर? ये हमें देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे 5,000 रुपये दिए थे एक बंदे ने, और कहा था कि आज सुबह 10 बजे एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज ऑलरेडी टाइप किया हुआ था और उसमें गलत कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने भेज दिया। मैंने बस यही किया। ये सब मदन की साजिश है। ये आदमी था क्या वो? नहीं ये नहीं था। ये डायरी के एंट्रीज क्या है?
ये सब अलग अलग शेयर्स के शॉर्ट फॉर्म है। क्या मैटर था बताएंगे? एक साल पहले की बात है, जब शेयर मार्केट बहुत तेजी में था, तब मिस्टर मदन मेरे ऑफिस में आए थे। सर, मेरे बिजनेस पार्टनर ने ठगा है मुझे, वो कंपनी भी बंद हो गई, ऊपर से 2 करोड़ का कर्जा है मुझ पर। प्लीज मुझे कैसे भी करके इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाली। मैं 5 लाख रुपए भी लाया हूं, आप इन्हें शेयर मार्केट में लगा दीजिए। 5 लाख? 5 लाख रुपया मसूद है भाई, इतने कम पैसों से नुकसान थोड़ी भर पाओगे आप। मार्केट जबरदस्त तेजी में है, जरा ज्यादा लगाइए, 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3? पता नहीं कैसे मिस्टर मारूफ थोड़े दिनों बाद मेरी ऑफिस में 2 करोड़ रुपए लेके आए, और उसके कहने पर मैंने सब शेयर मार्केट में अलग अलग जगह लगा दिए। लेकिन वो टाइम पे शेयर मार्केट इतनी गिर गई कि 2 करोड़ की वैल्यू 75 लाख पे आके गई। उसके लिए वो मुझे ही जिम्मेदार समझ रहा है, मुझे ही धमकी दे रहा है। मैं सोचा पुलिस में जाके कंप्लेन कर लूँ उसकी। तो क्यों नहीं गए आप? क्या पता शायद मदन मारू बच जाते। इतना सा भी झूठ पकड़ा गया ना आपका, तो शेयर मार्केट से भी तेजी से नीचे चले जाएंगे आप। और तू जब भी बुलाओ ना तो आ जाना पुलिस स्टेशन, समझा? माना कि आप घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन अपने सगे भाई से आपने बातचीत क्यों बंद कर दी थी? नहीं मैम, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर हर बार मोटा भाई का नंबर मौजूद नहीं है, यही मैसेज आता था, तो मुझे लगा उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। और ये भाविन ठक्कर कौन है? ये अपने बच्चू भैया। मौत कितने बजे हुई थी? रात के 3 बजे सर। और उसी रोड पर रात को 2 बजे मीटिंग? सर, मैं ही भाविन ठक्कर हूं। बैठो। कैसे जानते थे मदन जी को? सर, मदन मेरा बचपन का दोस्त था, स्कूल के पहले दिन से हम लोग साथ में थे। वो जो फोन यूज करते थे वो आपका था ना? मतलब मदन जी का जो पर्सनल नंबर था वो असल में आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। क्यों? सर, हमेशा ऐसा नहीं था, पिछले कुछ 1 साल की बात है, पता नहीं उस घर को किसकी नजर लग गई। उस दिन घर के बाहर जो झगड़ा हो रहा था किस बात पर? मर्डर का मामला है ना, पूछना पड़ता है। आप बताऊंगा सर, मैं कुछ बताने लायक बचा ही नहीं है, मेरा बचपन का दोस्त मर गया है। अब तो मैं ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी फैमिली को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, वो लोग हमेशा खुशी से रहे। ये प्रवीण कौन है? प्रवीण शाह, मदन का पार्टनर, उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ, या फिर वो कमीना मेहता जिसकी वजह से मेरा दोस्त रोड पे आ गया। प्रवीण शाह, ये आपके पार्टनर की मौत हो गई कल, पता है ना आपको? मिलने नहीं आए आप। वो मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा, हमारी पार्टनरशिप तो बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। इतनी बुरी तरह के रात को 2 बजे दानापानी रोड पे मिलने जाते हैं? सर, मैं क्यों जाऊंगा उनसे मिलने, और मैंने तो काफी दिनों से मिलना छोड़ दिया था। जूते अच्छे हैं आपके, फॉरेन के है क्या? नंबर क्या है? 11 नंबर। अब ये पैरों के निशान देख रहे हैं, ये कम से कम 10 या 11 साइज के शूज होंगे।
नहीं, लेकिन लगता है ये जूते रात को 2 बजे मदन जी से मिलने चले गए थे। वो सर काफी दिनों से जूते मिल नहीं रहे थे, आज अचानक पता नहीं कहां से आ गए। बेहतर होगा कि हमें बताओ मदन जी से कब मिले थे आप, वरना ये सबूत काफी है आपको हिरासत में लेने के लिए। सर यही कोई 5-6 दिन पहले। प्रवीण आखिरी बार तुझसे रिक्वेस्ट करने आया हूं यार, मुझे इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल। देख अगर मेरे फैमिली को कुछ हो गया ना, मैं कुछ कर बैठूंगा। धमकी दे रहा है? नहीं, रिक्वेस्ट करने आया था तुझसे, लेकिन पता चल गया कि तू कभी नहीं बदलेगा। हो गया तेरा प्रवचन, चल अब निकल यहां से। बस सर इतनी सी बात है। इससे यह साबित नहीं होता कि मदन जी से आप दोबारा नहीं मिले। जूते ले चलो, कहीं पर जाने की सोचना भी मत। और हाँ, ये सुनील से आखिरी बार कब मिले थे आप? ये सुनील कौन? बस यूं ही। इसे भी उठा। सर ये जूते तो इसी के हैं, तो हम गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते इसे? हो सकता है, लेकिन ये जूते इस तरह से यहाँ पर रखे गए थे मानो किसी ने जानबूझकर इसे फंसाने के इरादे से रखे थे। हम जब अंदर जा रहे थे तब जूते कहाँ थे? शक तो मुझे हर किसी पर है, पर मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस आदमी के सर पर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है, वो और 2 करोड़ कहां से और कैसे ला पाएगा? इन सब के जवाब हमें मदन के घर से मिलेंगे। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी की गुफा की तरह है शेयर मार्केट। अगर दरवाजा खोलने का मंत्र पता हो तो अंदर जाना बहुत आसान है, लेकिन अंदर जाने के बाद आप अमीर हो जाएंगे या तबाह, ये कहना बहुत कठिन है। शायद इसीलिए इसे सट्टा बाजार भी कहते हैं। इस बाजार में कब दाखिल होना है और कब बाहर निकल जाना है, ये एक बेहद पेचीदा खेल है। और जो इसे समझ गया वो तो तर गया, वरना मर गया। मदन मारू का इस मार्केट में पैसा लगाना सिर्फ विनाश काले विपरीत बुद्धि था। पैसे 3 गुना हो जाएंगे इस लालच में उसने एक साथ 2 करोड़ रुपए मार्केट में लगा दिए। पैसे लग भी गए और डूब भी गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि पहले से कर्ज में डूबे मदन मारू के पास इतने रुपए कहां से आए? हो सकता है इसी सवाल के जवाब से उसकी मौत की गुत्थी सुलझे। मुझे नहीं पता, पर मदन ने खुद ही जयेश को कंपनी से बाहर निकाला था, शायद उसने कुछ धांधली की होगी। माफ कीजिएगा, कल आपके भाई की बीवी आप पर कुछ आरोप लगा रही थी। भाभी इनको दोष देने से पहले आप ये याद रखिए कि उस दिन घर में तूफान आपकी वजह से आया था। क्या हुआ था? एक्चुअली बहुत पर्सनल बात, शायद वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है, इसीलिए आपसे बात की। कई बार बहुत पर्सनल बातें ही हादसा ले आती हैं। बताइए क्या हुआ था? कौन है ये हितेश जिसने तुम्हें ऐसे मैसेज भेजे? क्या संबंध है तुम्हारा इसके साथ? मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो देना पड़ेगा देवकी, अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो जो शक मुझे है वही ठीक है समझूंगा मैं। आपसे मिलने के पहले से मुझे जानती हूं कॉलेज के समय से, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और कुछ करने का उसे जज्बा नहीं है और कोई हुनर भी नहीं है, तो सच मैंने सारे रिश्तेदारों के साथ खत्म कर दिया, सब कॉन्टैक्ट खत्म। पता नहीं कहां इतने सालों के बाद किस सोशल साइट से उसने मुझे ढूंढ निकाला और ये नाम शनाप मैसेज भेजा मुझे। पिछले 12 सालों से ना मैंने उसे देखा है ना ही मैं उसे देखना चाहती हूँ, और यही सच है। देवकी सब कुछ नीपा के सामने हुआ था, फिर भी उसने बात छेड़ दी। मैं अपने भाई के धंधे में
उनकी परछाई बनकर काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक मुझे इस्तीफा देने को कहा गया और कहा गया कि उनके दोस्त की दूसरी कंपनी है, वो ज्वाइन कर लो। मैंने इसका कारण पूछा तो कोई जवाब नहीं। जिस तरह उन्होंने मुझे निकाला ना, उसी तरह किसी और को निकाला होगा, बस उसी ने बदला लिया होगा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया होगा? जरूर कोई बड़ी डील हुई होगी जिसका शेयर मुझे नहीं देना चाहते होंगे। क्यों, आप उस बड़ी डील के बारे में जाना नहीं चाहते थे? अब जब भैया ही नहीं रहे तो क्या करूंगा जानकर। आपके भाई पिछले 2 साल से बहुत बड़े कर्जे में डूबे हुए थे और जिस वक्त उनकी मौत हुई उनके सर पर 3-3.5 करोड़ का कर्जा था। 3.5 करोड़? बच्चू भाई, नाम तो बराबर लिया ना मैंने? जी हाँ। आपके दोस्त ने 2 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे, किसने दिए ये पैसे? कहीं तुमने तो नहीं दी? साहब मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो नौकरी करने वाला इंसान हूँ और मुझे तो कुछ पता भी नहीं इसके बारे में। लेकिन तुम्हें मेहता एंड कंपनी के बारे में, उनके पार्टनर्स के बारे में खबर थी है ना? मुझे मदन ने बताया था उसके बारे में। तो इतना पैसा कहाँ से आया ये नहीं बताया? एक्सक्यूज़ मी मिस्टर मदन मारू साहब का घर यही है क्या? मैं हैप्पी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ, मुझे देवकी मारू एंड जयेश मारू से मिलना है। आप अंदर आइए। यस सर। लैब से ये पता चला है कि जो जूते आपने भेजे थे वो खून की जगह मिले हैं, तो प्रवीण को अरेस्ट किया जाए सर? नहीं, अरेस्ट नहीं, लेकिन उसके घर के बाहर एक आदमी को तैयार रखो। सर चलो। उन्होंने जाने से पहले हमारी कंपनी का प्रीमियम इंश्योरेंस निकाला था, उससे आप सबकी लाइफ इंश्योर हो गई है और अब आपकी आगे की जिंदगी सुकून भरी होगी, इसका भी इंतजाम किया है। और उन्होंने अपना नॉमिनी, अपनी वाइफ और अपने छोटे भाई को बनाया है। ये कुछ पेपर्स हैं तो साइन कीजिए मैम प्लीज। कब किया था ये इंश्योरेंस? सर पिछले हफ्ते ही 15 महीने पूरे हुए हैं और लग देखिए, एक हफ्ते पहले भी अगर ये हादसा होता तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, 15 महीने होने के बाद ही बेनिफिट्स मिलते हैं। कितने का है ये इंश्योरेंस? 5 करोड़ का। कुछ बताने लायक बचा ही नहीं है, मेरा बचपन का दोस्त मर गया है। अब तो मैं ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी फैमिली को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन तुम्हें मेहता एंड कंपनी के बारे में, उनके पार्टनर्स के बारे में खबर थी? मुझे मदन ने बताया था उसके बारे में। तो इतना पैसा कहाँ से आया ये नहीं बताया? काका मुझे काम पे निकलना है, मैं कल मिलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। भाई लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। कैसी प्रार्थना? कि उनके बाद उनकी फैमिली पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उनके बाद भी फैमिली सुकून भरी जिंदगी जिएगी। 5 करोड़ बहुत होते एक फैमिली के लिए, एक फैमिली को सुकून से जीने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो सब कुछ समझ गए हो बच्चू भाई, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बोलो अब तो ये लोग भी यहाँ हैं, बताओ 2 करोड़ कहाँ से आए तुम्हारे दोस्त के पास? हमें जबरदस्ती बुलवाने पर मजबूर मत करो। हाँ मैं नहीं मारा है मेरे दोस्त को। उसके खुद के कहने पे मुझे उसे मारना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था। कहता था कि परिवार को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। शुरू से बताओ बच्चू भाई, देखो मुझे तुम पर हमदर्दी है, लेकिन ये कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये सब कुछ हमें जानना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, बच्चों में बर्बाद हो चुका हूं। मैंने अपना घर गिरवी रखकर 2 करोड़ रुपए खड़े किए थे और वो 2 करोड़ रुपए मैंने सारे के सारे शेयर मार्केट में लगा दिए, ये सोचकर कि 2 करोड़ के 6 करोड़ मिलेंगे। लेकिन सब कुछ चला गया यार, सब कुछ चला गया। बच्चों
मेरे युधिष्ठिर की तरह बिना पूछे अपने परिवार को दांव पे लगा दिया। अगर अगर कल मैंने पैसे नहीं भरे ना बच्चों, तो मेरा मेरा घर जब्त हो जाएगा यार, और मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा बच्चों, सब खत्म हो जाएगा यार सब। जयेश से बात करी तूने? नहीं, मैंने इस बारे में जयेश से कोई बात नहीं की। मेरे पापों की सजा मेरा भाई नहीं भुगतेगा। मैंने उसे काम से निकाल दिया, भले ही वो आज मुझे कोस लेगा, लेकिन जो कर्जा मैंने लिया है ना, उसके सर पे नहीं आना चाहिए, उसके सर पे नहीं आना चाहिए, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं उसका सहारा बन सकता था, उसका दर्द बांट सकता था, लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकता था। Get out! I say get out! अक्कल नहीं है और मार्केट में पैसा लगाने को चले हो आप। आप यहाँ आए थे, मैं नहीं आया था आपके पास, और उसके लिए मुझे विलन मत बनाओ, समझे आप? चलो जाओ। मुझे इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल। देख, अगर मेरे फैमिली को कुछ हो गया ना, मैं कुछ कर बैठूंगा। हो गया तेरा प्रवचन, चल अब निकल यहाँ से। मुझे लगा था कि बिल्कुल टूट जाएगा। कुछ दिनों से एकदम शांत शांत सा रहने लगा था, और फिर एक दिन मुझे बोला कि मैंने पैसे बचाना शुरू कर दिए, अब मैं मेरे परिवार को इस संकट की घड़ी से बचा लूंगा। और फिर परसों रात, बच्चू, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है ना, तो तुम मुझे मारकर वही कर रहा है, ये समझ ले बच्चू। मदन तू पागल हो गया है, तुझे मारने के लिए मुझे बोल रहा है? नहीं मदन, नहीं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन तेरी जान ले नहीं सकता। बच्चू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर मैंने खुदकुशी कर ली ना, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे परिवार को एक फूटी कौड़ी नहीं देगी यार। लेकिन हाँ, अगर मेरा खून हो गया ना, तो मेरे खून के इल्जाम में वो प्रवीण और मेहता, वो दोनों जेल में जाएंगे, और मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा परिवार सुकून से जिएगा, मेरे पे इतना एहसान कर। देख बच्चों, ये प्रवीण के जूते, ये पहनना है तुझे। समझ रहा है तू? और ये रस्सी पकड़। बच्चों, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं। बच्चों देख, तू मेरे पापा को अपने पापा समझता है ना, तू उनका बेटा है ना, तो अपने पापा के लिए कर दे बच्चों इतना। मेरा काम आसान कर देता बहन। बच्चों बहन, देख तू मुझ पर एहसान कर रहा है, तू मुझे मार नहीं रहा है, तू मुझे मार कर मेरे परिवार को जिंदा रख रहा है। बच्चों तेरा एहसान है कभी नहीं भूलूंगा बच्चू। मैंने मेरे दोस्त को मारा, और फिर सुबह सुनील को पैसे दिए और फोन भी वहीं रखवाया। आप जब प्रवीण के पास गए थे, मैंने जूते भी वहीं रख दिए ताकि आप लोग उसे अरेस्ट कर लें। मैंने सब कुछ अपने दोस्त के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए किया है। सर, अभी इंश्योरेंस एजेंट ने कुछ नहीं सुना तो? सर, अगर उसे मालूम चल गया तो सारी टामे रोड पर आ जाएगी, पैसे किसी को नहीं मिलेंगे, बच्चनाथ को जेल हो जाएगी। सर तो क्या करें हम? सर केस को यहीं पे रफा दफा कर दीजिए, एंड आई नो आप कर देंगे। सर ये इन्वेस्टिगेशन यहीं रोक लीजिए। दाद देनी होगी,
बड़े अच्छे दिल के हो तुम, लेकिन हम ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी और दिल का कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा था ना ये केस बहुत इमोशनल होने वाला है, लेकिन तब पता नहीं था कि तुम भी इतनी इमोशनल हो जाओगे। ड्यूटी को भूलकर कैसे चलेगा, अपराध हुआ है और सजा देना हमारा फर्ज है। कत्ल की गुत्थी सुलझ तो गई, लेकिन पुलिस भी इससे खुश नहीं थी। कातिल के पकड़े जाने पर भी कहीं ना कहीं सभी को अफसोस था। भावनाओं को झकझोर देने वाली इस वारदात ने एक पल के लिए एक पुलिस अफसर को भी अपना कर्तव्य भूलने को मजबूर कर दिया था। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक मदन मारू का कत्ल हुआ था, लेकिन देखें तो दरअसल ये खुदकुशी ही थी। आज की कहानी इस बात की मिसाल थी कि अपने परिवार को बचाने के लिए एक नेक इंसान भी कभी कभी किस तरह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। अगर मदन मारू ने अपने परिवार को विश्वास में लेकर हिम्मत के साथ बुरे समय का सामना किया होता तो यकीनन आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अफसोस, परिवार को बचाने के लिए ही सही उसने अपराध का सहारा लिया और वही विनाश का कारण बना। इसीलिए कहते हैं कि वजह कितनी भी नेक क्यों ना हो, अपराध अपराध होता है और उसका अंत बुरा ही होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। तो सावधान।